दोस्तों मेरे तो दोस्तों आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे वाटरफॉल की ओर जो कि बेहद खूबसूरत है। और ये जो वाटरफॉल है उसका नाम है कोसमल वाटरफॉल। सूरत से उसकी दूरी 103 किलोमीटर है और किस तरह की जर्नी होने वाली है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। काम आवे है पहला दोस्तों कोसमल वाटरफॉल जो है वो हाईवे से कच्चे रास्ते पे आगे जाना पड़ता है। हम लोग अभी निकल पड़े हैं, एक भाई से पूछा हमने कि अभी कितनी दूर जाना है। बिकॉज़ ऑफ आप अगर सूरत से निकले हैं तो वहाँ से आप अगर मैप सेट करते हो तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखाएगा, लेकिन बीच में आके अगर आप मैप सेट करने जाओगे तो आपको जो लोकेशन है वो लोकेशन में काफ़ी दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पे कोई टावर नहीं है। जो रास्ता है वो बहुत ही बिगड़ा हुआ है, वहाँ पे जाने के लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आप फोर व्हील लेके जाते हो। देखिए मैं आगे का रास्ता दिखाता हूँ। इस तरह से जो नदी बहती है छोटी छोटी जो पर्वतों से निकल के आती है और इस तरह का नज़ारा आपको रास्ते में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कोसमल और यहाँ से अभी हम जाएंगे, ये है कोसमल का पार्किंग एरिया जहाँ पे गांव वाले सब अपनी ज़मीन पे पार्किंग करवाते हैं और पार्किंग की फोर व्हीलर की जो फीस है वो है 30 रुपीज़। दोस्तों यहाँ से वाटरफॉल कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर है तो आइए इस जिप्सी का मज़ा लेते हैं। दोस्तों इस विलेज से जस्ट दूर ऊपर जाने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो आप पैदल जा सकते हैं, दूसरा है ये जिप्सी का ऑप्शन। तो हमने जिप्सी यहाँ पर चॉइस किया है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो दूध है वहाँ पे जाने के लिए आपको अगर चलना नहीं है तो यहाँ पे जीप की सुविधा है। मेरे पास है ये शैलेश भाई जो हमें उनकी गाड़ी में बिठा के लेके आए हैं। रिजनेबल प्राइस है, आप उनके साथ नेगोशिएशन करके प्राइस सेट कर लीजिए और पूरी फैमिली के साथ आप नीचे जो दूध है वहाँ तक आप आ सकते हैं। हेलो तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, शायद वाटरफॉल यहाँ आसपास कहीं पे हो सकता है। आइए देखते हैं कहाँ पे है वो वाटरफॉल, मैं ज़रा फटाफट भगा के आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर सभी लोग खड़े हैं और काफ़ी आवाज़ यहाँ पर सुनाई दे रही है पानी की। और यहाँ पर जस्ट नीचे वो कोसमल दूध आया हुआ है और उसके लिए चल के थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। आइए किस तरह से नीचे जाना है देख लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सबसे बड़ी बात जो है वो बताने जा रहा हूँ। ये जो आप चेक डैम देख रहे हो, यहाँ पर ये जो पानी है वही पानी यहाँ से नीचे जा रहा है और नीचे जाके वाटरफॉल बन रहा है, यही है कोसमाल वाटरफॉल। तो आइए आगे चलते हैं। दोस्तों बीच में जाते वक्त यहाँ पे बहुत सारी जो खुशबू है, जो फूलों की खुशबू है, वो यहाँ पे आ रही है, अच्छी सी खुशबू आ रही है दोस्तों। और यहाँ पर लकड़े का बहुत ही काफी अच्छा ब्रिज देखने को मिल रहा है, आइए उस पे चल के जाते हैं। सारे यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा उतरने के लिए, और मेरे पीछे आप देख सकते हो वहाँ तक का जो भी पत्थर वाला जो भी नज़ारा है वो बहुत ही डेंजर है। मेरे पीछे है स्वाति बहन जो सूरत से आए हैं, और मैं उनको पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, पर बहुत डिफिकल्ट रास्ता है। अच्छा, चढ़ने में उतरने में बहुत दिक्कत हो रही है? अभी चढ़ने में तो क्या होगा पता नहीं। और देखिए दोस्तों ये पीछे का मैं नज़ारा आपको दिखाता हूँ, इस तरह का ये नज़ारा है जहाँ पे बहुत सारे पत्थर है और वो भी ऐसे चढ़ान में है, तो वहाँ से उतरना बहुत काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। चलो चलते हैं आगे, पूरा परसेवे से रेबजेब हो चुके हैं हम लोग, फिर भी हम नीचे जा रहे हैं दोत को देखने के लिए। पीछे जो ये भाई है वो हमारे साथ, वो जीप में साथ में आए, भाई से पूछेंगे कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? जाने का बहुत कठिन है, चढ़ने का तो उससे कठिन है। भैया आप बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा। लोगों को जाने में दिक्कत हो रही है, आने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा ट्रैकिंग है। अच्छा। और इसको पाना चाहिए, ऐसे ट्रैकिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को भी पता चलता है हमारा हेल्थ कैसे काम करता है। हम लोग को जिम में जाना चाहिए फिर नहीं जाना चाहिए ये यहाँ पे पता चलता है। बैठना होता है, गाड़ी में भी एसी में जाना होता है। अच्छा। और पूरा दिन 9 आवर्स का होता है, उसमें काम करना होता है, लेकिन उस टाइम पे अपने को ऐसा होता है कि यार इसमें क्यों बैठे हैं, ऐसा मेहनत करना चाहिए। क्योंकि ये चीज कब पता होती है, COVID-19 के बाद हम लोग को ये चीज का मालूम होता है कि भाई अभी ये चीज की जरूरत है। सही बात है, यहाँ पे पूरा हम पसीना पसीना हो गए, आप देख सकते हो हमारा शर्ट है टी शर्ट है पूरा भीग चुका है, और फिर भी हमें मन में ऐसा है कि हम नीचे जाएंगे और देखेंगे तो हमें लगेगा कि हमें लगेगा कि किस तरह का यहाँ का वातावरण है और किस तरह से हमें यहाँ पे नीचे जाके कैसा माहौल दिखने वाला है, उसके लिए हम बहुत एक्साइटमेंट है। और इसीलिए हम अभी नीचे जा रहे हैं, आधा मंजिल हमने तय कर लिया है और आधा मंजिल दोस्तों अभी बाकी है। तो आइए हम दिखाते हैं वहाँ पे जाके किस तरह का एटमॉस्फेयर है, और इन दोनों भाई साहब को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरी सपोर्ट की कि यहाँ तक किस तरह से वो आए, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उनके साथ भी हमने शेयर की। दोस्तों मेरे साथ है यहाँ पर ईश्वर भाई जो यहाँ के लोकल है, और उनके पास से हम जानेंगे कि यहाँ पे कितने कितने लोग आते हैं और किस तरह से लोग आते हैं और कैसे हम यहाँ पे आ सकते हैं, उनके मुंह से हम सुनना चाहेंगे। ईश्वर भाई देखिए यहाँ तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सूरत अहमदाबाद, बहुत देखने जैसा वाटरफॉल है, एक बार आओगे तो अपने आप ही मन में खुश हो जाओगे। अच्छा। ओके, और आप यहाँ पे क्या करते हो? हम तो हमारे यहाँ पर दुकान है, लेकिन अच्छा। जो लोग बीच में थक जाते हैं उनके लिए आप कुछ ना कुछ, क्या बात है, नींबू पानी आप यहाँ पे बनाते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ इनका किस तरह का नींबू पानी का है, ये देखिए
तो आप अगर यहाँ पे थक जाते हो तो ईश्वर भाई से आके मिलिएगा, आपको यहाँ पे नींबू पानी मिल जाएगा। ईश्वर भाई को हम थैंक यू कहेंगे कि जिन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी, थैंक यू ईश्वर भाई। तो दोस्तों इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म, अब हम पहुँच चुके हैं नीचे और मैं दिखाता हूँ आपको मेरा पीछे का नज़ारा। दोस्तों ये देखिए पीछे का नज़ारा, दोस्तों देखिए पीछे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और ध्वज जो है वो ऊपर से आ रहा है, तो और थोड़ी चढ़ान है हमें चढ़नी पड़ेगी यहाँ पर, और मैं चढ़ के जाऊँगा और आपको वो पूरा जो सीन है वो दिखाता हूँ। दोस्तों इस रास्ते को देखकर मुझे एक शेर याद आता है, जैसे बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको इतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस लक्ष्य की ओर और देखते हैं वहां पे किस तरह का मज़ा आने वाला है। दोस्तों हम ध्वज पे आते तो आ गए हैं, लेकिन चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। आधे तक आए हैं लेकिन पूरा थक गए हैं। वहाँ पे जितना नहाए जितना भी मज़े लिए वो सब मज़ा यहाँ पे चढ़ने में चला जाता है। तो जिनको कोई भी बीमारी है वो प्लीज़ यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि आए तो ऊपर ही आए, ध्वज तक मत जाए, क्योंकि ध्वज काफ़ी नीचे है, शायद 70 या 80 मीटर नीचे है, तो नीचे चल के जाना पड़ता है और चढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। ऊपर ये रखा है और ये तैयार हो गया, ये जो नींबू पानी है देखिए, वाह दोस्तों, जैसे पूरे शरीर में है ना एनर्जी आ गई हो, इस तरह से ये लग रहा है। थैंक यू भैया, थैंक यू ईश्वर भाई। यहाँ के रहने वाले हैं, ये कुसमल गांव है हमारा, यहाँ भिगू वाटर नाम से जाना जाता है। यहाँ सब कचरा कचरा था, लेकिन एक बार जंगल खाता स्टाफ वाले ने ये सब उठा लिया था, फिर से यहाँ कोई आता है लेकिन कचरा आसपास होता है, लेकिन वो
अभी जैसा वैसा कचरा हो गया है दोस्तों। जैसे कि ईश्वर भाई ने बताया, यहाँ पे एक बार जंगल खाता वाले ने सबने कचरा उठा लिया था, फिर भी अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो काफी सारा कचरा यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे आइए तो प्लीज आप जो प्लास्टिक है उसको साथ में लेके जाइए, जैसे मेरी ये बैग है, तो इसी तरह से आपके पास जो भी बैग हो या फिर पॉकेट हो उसमें डाल के लेके जाइएगा। आप घर पे छोड़ सकते हैं या फिर बीच में कहीं भी आपको डस्टबिन मिले वहां पे आप डाल सकते हो। तो दोस्तों ईश्वर भाई से मिलके बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने जो शरबत पिलाई उसका मैं ऋणी हूँ, और उनको बोलता हूँ कि आपका जो धंधा है, आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा चले। आप जब भी यहाँ पे आए तो प्लीज़ उनसे ज़रूर मिलिएगा, उनका शरबत काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है, पीने में काफ़ी मज़ा आएगी। तो देखते रहिए उसी तरह से, आगे मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ कि वहाँ का नज़ारा कैसा है। तो आइए चलते हैं ऊपर। दोस्तों मैं काफ़ी थक चुका हूँ क्योंकि ये जो वाटरफॉल है वो पूरा डूंगर उतर के नीचे है। ये मेरे पीछे ये जो पानी है वही पानी यहाँ से होके नीचे गिर रहा है और बाद में नीचे जाके वो धोध बन रहा है, और नीचे बहुत बड़ी खाई है जहाँ पे वो पूरा पानी जो है वो जा रहा है। तो दोस्तों कोसमाल धोध में बस इतना ही, और देखते रहिए हमारी इस चैनल, और जो भी यहाँ पे कोसमाल धोध में आना चाहता है तो इस वीडियो को देख के, डिटेल्स को देख के आ सकता है। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपकी ये जो कमेंट है उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और नया नया प्लेस एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर इस चैनल में कमेंट कीजिएगा, आपके कलीग हो दोस्त हो उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूले, ताकि आपको इसी तरह से नए नए प्लेस का वीडियो मिलता रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।